नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को किसानों के संबंध में मंगलवार को एक चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी के माध्यम से उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में बेमौसम बारिश से किसानों को हुए नुकसान का मुद्दा उठाया था और साथ ही सीएम योगी से अपील की थी कि किसानों को हुए नुकसान का आकलन कर उन्हें उचित मुआवजा दिलाया जाए। अब इस चिट्ठी का रिप्लाई करते हुए योगी आदित्यनाथ ने उनकी बड़ी मांग मान ली है। जी हां, किसानों के मुद्दे पर लगातार जो है वो अपील की जा रही थी, लेकिन अब वरुण गांधी जो है उन्होंने योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी, उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने उनकी ये मांग मान ली है। वरुण गांधी ने चिट्ठी में लिखा था कि आपको अवगत कराना है कि मेरे लोकसभा क्षेत्र पीलीभीत बहेड़ी में लगातार हो रही बेमौसम मूसलाधार बारिश के कारण किसानों की गेहूं की फसल के साथ अन्य फसलों का भी काफी नुकसान हुआ है। खास तौर पर गेहूं की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है, जिसकी वजह से अन्नदाता के ऊपर आर्थिक संकट आ गया है। इस दैवीय आपदा के कारण किसान को आर्थिक और मानसिक नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिसकी वजह से अन्नदाता बर्बादी की कगार पर पहुंच गए हैं। इस स्थिति में किसानों के नुकसान का उचित आकलन कर जल्द से जल्द मुआवजा देने की कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए, जिससे अन्नदाता को राहत मिल सके। योगी आदित्यनाथ ने इसी मसले पर अपनी जो टीम है उसको किसानों के पास भेजा है और किसानों की अपील जो है वो सुनी जा रही है। आपको बता दें, वरुण गांधी ने सीएम योगी से अपील की थी कि जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देश दिए जाएं कि वो किसानों को हुए नुकसान का आकलन करें। उन्होंने चिट्ठी में आगे लिखा था, मेरा आपसे आग्रह है कि इस दैवीय आपदा का तत्कालीन संज्ञान लेते हुए मेरे लोकसभा क्षेत्र पीलीभीत बहेड़ी में जहां जहां बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसलों का नुकसान हुआ है, वहां जल्द से जल्द इस नुकसान का आकलन कर उचित मुआवजा दिलवाने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश देने का कष्ट करें। आपको बता दें, बीजेपी सांसद ने जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार को भी चिट्ठी लिखकर किसानों को मुआवजा दिलाने की मांग की थी। उल्लेखनीय है कि वरुण गांधी अक्सर ही पीलीभीत और प्रदेश के किसानों और युवाओं से जुड़े मुद्दे कभी सोशल मीडिया के माध्यम से तो कभी पत्रकारों के माध्यम से उठाते रहते हैं। वो सीएम योगी को पहले भी अन्य मसलों पर चिट्ठी लिख चुके हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़।